हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में देखिए मैकरम का फ्रूट बास्केट का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। ये देखिए पीछे से इसका डिज़ाइन कितना ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से। इसमें ज़्यादा कुछ हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैकरम को यूज़ किया और एक यहाँ पर रिंग हमने डाल के रखा है। और दूसरा ये जो लाइन बना है ये सिर्फ हमने धागे पर पाइपिंग किया है, सिर्फ एक रिंग हमने डाला है इसमें और धागा, कोई मोती का हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर थ्री कलर में बनाया है, ये लाइट ग्रीन, येलो और रेड। आप चाहें तो किसी भी कलर में बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको जैसे ये फ्लावर दिख रहा है इसको आप एक कलर का बना सकते हैं, दूसरा दूसरे कलर का, तीसरा तीसरे कलर का, मल्टी कलर में भी इसको आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थ्री कलर ही यूज़ किए हैं, दो कलर में भी आप या एक कलर का भी इसको बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थ्री कलर का धागा यूज़ किया है बास्केट बनाने के लिए और ये 10 इंच का राउंड शेप का रिंग लिया है। आप चाहें तो किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीच कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। सभी धागों को मैंने 2-2 मीटर में कट किया है। पीच कलर के यहाँ पर 20 धागे हैं और ये धागे, ग्रीन भी 20 हैं और ये 30 पीस धागे हैं, क्योंकि एक कलर हमें 10 धागे ज़्यादा लेने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डिज़ाइन का स्टार्टिंग होता है बास्केट का, ये यहाँ पे जो सेंटर बना है गोला, यहाँ पर हमें धागे चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये जितना भी हमारा डिज़ाइन बनेगा बाकी धागे तो हमें उतने उतने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिज़ाइन हमारी बनी है, तो यहाँ पर मैंने ये 8 धागे अलग से लिए थे। एक कलर में आप कोई भी कलर में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसमें हमने इस वाली बास्केट में 8 डिज़ाइन बनाई थी तो हमने 16 धागे लिए थे, यहाँ पर हम 20 डिज़ाइन का ये बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 20 पीस पीच कलर का धागा लिया है, 30 पीस येलो लिया है और 20 पीस ग्रीन। ये दोनों हमने सेम रखने हैं। एक पीस जो है एक कलर का हमें ज़्यादा धागे लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन में हमें सेंटर में ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको आगे पता चलेगा कि हम ज़्यादा क्यों लेते हैं। कोई भी कलर आप ज़्यादा लें, ज़रूरी नहीं कि अब मैंने येलो लिया तब येलो लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी कलर में ले सकते हैं और कोई भी कलर यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो धागा हमने ज़्यादा लिया होता है उसी में से हम धागे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस बास्केट में हमने 8 डिज़ाइन बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिज़ाइन का ये बास्केट है। तो यहाँ पर हमने 16 धागे लिए थे, लेकिन अब ये वाला बास्केट जो हम दूसरा बनाने जा रहे हैं इसमें हम 20 धागे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 10 डिज़ाइन का बनाएंगे, इससे थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं। तो ये 8 इसमें है, हम यहाँ दूसरा बास्केट में 10 डिज़ाइन का बनाएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 30 पीस लिया है। आप अगर इसको छोटा बनाना चाहें, जैसे ये 8 का है, आप 6 का बनाना चाहें, तो आप उस हिसाब से अपने कॉर्ड लेंगे। तो हमें 12 कॉर्ड यहाँ पर चाहिए होंगे और 6 अलग से, यानी एक कलर के हमें 18 चाहिए होंगे, बाकी 12 12। तो देखिए इनमें से हम 10 कॉर्ड अलग कर लेते हैं। ये देखिए 10 कॉर्ड हमने ये अलग कर लिए हैं, बाकी के कॉर्ड हम अलग हटा करके रख देंगे। तो इसमें से हम 1 कॉर्ड ले लेंगे इस तरीके से और इसको हम डबल करके इसे रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से डबल करके मैं इसको रख लेना है। फिर अब दूसरा धागा लेना है और उसको भी हम डबल करेंगे, और डबल करने के बाद में देखिए इस तरीके से हम इस पर इसको फिक्स कर लेंगे। फिर दूसरा कॉर्ड हमें लेना है, जो 10 कॉर्ड हमने लिए हैं उन्हीं में से हमें धागों को लेना है। 1 कॉर्ड के ऊपर 9 कॉर्ड को हमें ऐसे फिक्स कर देना है। ये देखिए जैसे हमने ये 2 कॉर्ड फिक्स किए हैं, ऐसे ही हम बचे हुए 7 कॉर्ड को भी सेम ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी धागे हमारे अच्छे से इसमें फिक्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो धागा है जिसमें हमने सभी धागों को फिक्स किया है उसी धागे को हम एक दूसरे में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने पहले डबल किया था, लूप बना था, उसी में हम निकाल के और इस तरीके से खींच लेंगे, तो हमारा ये गोल सा लूप बन करके आ जाएगा, जो कि हमारी देखिए इस बास्केट में ये देखा जा सकता है सेम ऐसे ही ये बन करके आया है। अब इन्हीं में आगे हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं।
तो हम कहीं से भी इसमें डिजाइन बनाना फ्रेंड्स स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे जो ये धागा फर्स्ट वाला था जो हमने अभी निकाला है एक दूसरे के अंदर, क्योंकि अगर उसमें हम पहले नहीं करेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी में करेंगे। तो पहला हमारा क्या करना है, हमें एक येलो कॉर्ड लेना है जो हमने अलग से 20 पीस रखा है उसमें से, और उसको इस तरीके से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद में इसमें हम हाफ स्क्वायर नॉट लगाते हुए फिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस हाफ यानी एक बारी हम नॉट लगाएंगे, ये हो गया। अब हम अपना दूसरा कलर का कॉर्ड लेंगे, उसको भी हमें सेम हाफ नॉट लगाते ही फिक्स करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अभी हमने लेफ्ट साइड में नॉट निकाला था, इस बार हम राइट साइड में नॉट निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से बस इतना ही करना है, लेकिन हाफ नॉट। ये देखिए ये आप इससे ध्यान रखिए, ये जो नॉट जैसा बन के आ रहा है पहले हमारा लेफ्ट में आया है तो इस बार हमारा राइट में आया है। बस यही हमें करना है, जितनी हम धागे अटैच करेंगे एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में नॉट लगाएंगे। अब हम अपना पीच कलर वाला धागा ले लेंगे, उसको भी हम सेम ऐसे ही अटैच करेंगे। अब हम फिर लेफ्ट में नॉट निकालेंगे क्योंकि राइट में सेकेंड वाला धागा था। ये देखिए अब फिर से हम पीच कलर लेंगे क्योंकि सेंटर में हम ये दो धागों को सेम कलर में डालेंगे। भैया आप ये कह सकते हैं कि थर्ड वाला कॉर्ड हम जो भी डालेंगे उसको हम एक साथ में दो ही डालेंगे, ये इस तरीके से। क्योंकि ये देखिए हमारा ये सेंटर में जो डिज़ाइन जो हमारा रेड का बन के आ रहा है, ये इसमें हमारा इस वाला बास्केट में पीच कलर का बन कर के आएगा। तो ये देखिए दो हमारे धागे एक साथ में पड़े हैं, बाकी दो धागे एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब पीच हमारा डल गया है, तो फिर से अब हम पीच के ऊपर ग्रीन है तो फिर से ग्रीन वाला कॉर्ड ले लेंगे और उसको इसी तरीके से इसमें फिक्स करेंगे। और ग्रीन के बाद में फिर से हम येलो कॉर्ड लेंगे, देखिए सभी धागे हमारे फिक्स हो चुके हैं। एक डिज़ाइन के लिए हमें 6 धागों की ज़रूरत है और दो ये सेंटर में रहते हैं, तो 8 धागे हमको चाहिए। अब हमें आगे का डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए जो हमारे सेंटर में कॉर्ड हैं, एक हम लेफ्ट में करेंगे और एक राइट में। तो देखिए राइट में क्या करना है हमें, जो सबसे पहले हमने कॉर्ड फिक्स किया है येलो वाला उसको लेना है और इस तरीके से पाइपिंग करना है ऊपर की तरफ से ला करके, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं करना है। और उसके बाद में ग्रीन कॉर्ड आता है तो हम ग्रीन कॉर्ड ले लेंगे। फिर पीछे जो कलर आता जाएगा हम नंबर नंबर से उसको करते जाएंगे, आगे पीछे नहीं करना है। फिर से हमारा सेकेंड पीच, उसके बाद में ग्रीन है, फिर लास्ट में हमारा येलो आ जाएगा। तो देखिए हमारे सभी कॉर्ड अच्छे से पाइपिंग हो चुके हैं। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बन करके आ रहा है, आप इस वाले बास्केट में देख सकते हैं ये जो अंदर की तरफ स्टार जैसा डिज़ाइन बन करके आ रहा है, यही वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनेगा। और ये ऊपर के साइड में देखिए जो ये चीज़ बन के आई है, ये हमारी यहाँ पर ऊपर के साइड में बन करके आएगी। तो जैसे फ्रेंड्स हमने ये राइट तरफ में कॉर्ड को पाइपिंग किया है, सेम ऐसे ही हम लेफ्ट में भी एक एक करके सभी कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे। तो हमारे लेफ्ट के भी सभी धागे अच्छे से फ्रेंड्स पाइपिंग हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए लेफ्ट के हम एक साइड कर ले, राइट के एक साइड कर लिए हमने। अब लेफ्ट वाला कॉर्ड हमें लेना है, इस तरीके से रखना है और राइट साइड के सभी कॉर्ड को इस पर पाइपिंग कर देना है बिल्कुल चिपकाते हुए टाइटली। एक एक करके हम सभी कॉर्ड को पाइपिंग करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से टाइट पाइपिंग करेंगे हम यहाँ पर। जितना टाइट हमारा पाइपिंग होगा उतना ही ये डिज़ाइन अच्छा बन करके आएगा और बास्केट भी हमारा उतना अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर हम ढीला पाइपिंग करेंगे तो हमारा बास्केट भी ढीला बनेगा
और बिल्कुल लूज हो जाएगा, तो उसमें आप कुछ भी रखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके आप उतना टाइट पाइपिंग करें, क्योंकि पाइपिंग टाइट रहेगी तो बास्केट भी हमारा टाइट रहेगा। आप कुछ भी रखें वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उसमें। ये भी हमारा पाइपिंग हो चुका है, सेकेंड लाइन राइट साइड की तरफ। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये पाइपिंग वाले कॉर्ड को छोड़ दिया था, ऐसे ही हम सेकेंड लाइन में भी छोड़ देंगे। अब हम लेफ्ट साइड में सेकेंड लाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा राइट साइड में कॉर्ड है उसको ले लेंगे, येलो है तो हम येलो ले लिया हमने, और लेफ्ट के जो भी धागे हैं उनको सबको हम पाइपिंग कर देंगे इस पर, जैसे हमने राइट साइड में किया है। ये देखिए सभी कॉर्ड हमारे इसमें भी पाइपिंग हो चुके हैं। दो दो लाइन हमारी दोनों साइड बन चुकी हैं। अब थर्ड लाइन के लिए हमको क्या करना है, फिर हम लेफ्ट का कॉर्ड लेंगे और राइट के सभी कॉर्ड्स पर पाइपिंग करेंगे। फिर इस साइड के लिए हम फिर राइट साइड का कॉर्ड लेंगे और लेफ्ट साइड के सभी कॉर्ड पाइपिंग करेंगे। फिर फोर्थ लाइन में हम ऐसे ही दोनों साइड का धागा लेते जाएंगे और ऐसे इस तरीके से हम पाइपिंग करते जाएंगे जब तक एक एक कॉर्ड नहीं रह जाएगा तब तक। तो देखिए सभी कॉर्ड यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अच्छे से पाइपिंग कर लिए हैं, हमारा डिज़ाइन एक फ्लावर जैसा बनकर के आ गया है। अब लास्ट में देखिए दो कॉर्ड बची, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो इसको भी हम एक दूसरे पर पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा पूरी तरीके से एक डिज़ाइन बनकर के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये बाकी के जितने भी हमारे ये धागे हैं इन सब में हमें सेम यही डिज़ाइन बनानी, ऐसे ही धागों को फिक्स करना है और सेम यही डिज़ाइन हम बना करके एक एक डिज़ाइन पहले हम रेडी कर लेते हैं, फिर आगे का डिज़ाइन कैसे बनना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ बनकर के आई इतना हम बना करके रेडी कर लेते हैं, फिर आगे इनको ज्वाइंट करके डिज़ाइन सेम बनना है, बस एक दूसरे में ज्वाइंट करते जाना है। वो कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं इतना बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने 10 फूल बना करके रेडी कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फूल हमारे बन चुके हैं, यानी एक लेयर हमारा डिज़ाइन का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सेम यही फूल बनाने हैं, बस क्या है ये दो फूल को एक में जोड़ करके हम एक फूल बनाएंगे। सबसे पहले हम बाकी सबको साइड में कर देते हैं। इस तरीके से अब इस फ्लावर के देखिए हम एक साइड के धागे ले लेंगे और एक साइड के इस वाले फ्लावर के धागे ले लेंगे, आधे आधे हम साइड में कर देंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इस साइड में है, तो अब हम ये जो हमारा लेफ्ट में फ्लावर है इसका हम फर्स्ट वाला कॉर्ड लेंगे और राइट वाले फ्लावर के ये जो कॉर्ड है इस पर इसको हम पाइपिंग कर देंगे इस तरीके से। ये एक दूसरे में दोनों जॉइंट हो जाएंगे। एक एक करके हम सभी धागों को इस पर पाइपिंग कर देंगे, बिल्कुल टाइटली पाइपिंग करना है हमें। तो देखिए सभी धागों को हमने अच्छे से पाइपिंग कर लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो धागा हमारा पहले वाला है राइट साइड का उसको लेना है और लेफ्ट के ये सभी धागे हमें इस पर पाइपिंग कर देने हैं। देखिए हमारे पास 6 धागे बचे हैं, 7 थे, एक इस साइड चला गया है, तो 6 बचे हैं। ये 6 धागे हम इस पर पाइपिंग कर देंगे और ये जो इस साइड के धागे इनसे हमको मतलब नहीं, उसके लिए हम ये दूसरा डिज़ाइन जब साइड वाला लेंगे उसमें ये पाइपिंग होंगे। आधे धागे एक साइड में होंगे और आधे एक साइड में होंगे।
देखिए सभी कॉर्ड हमारे अच्छे से यहाँ पर पाइपिंग हो रहे हैं। हमको जितना हो सके उतना टाइट पाइपिंग यहाँ पर करनी है, क्योंकि जितना अच्छा पाइपिंग होगा टाइट उतना ही अच्छा हमारा बास्केट बनेगा, वरना बिल्कुल लूज हो जाता है वो। ये देखिए सारे धागे से पाइपिंग हो चुके हैं, यानी एक एक लाइन हमारी दोनों साइड पे पाइपिंग हो गई है। अब सेकेंड लाइन में जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था सेम ऐसे ही हमें आगे बनाना है। सेकेंड धागा लेना है लेफ्ट का और राइट की तरफ ऐसे पाइपिंग कर देना है। फिर उसके बाद में हम राइट का एक धागा लेंगे और लेफ्ट में पाइपिंग करेंगे। फिर थर्ड लाइन में फिर हम लेफ्ट का लेंगे। ऐसे ही लेफ्ट राइट करते करते हमें सेम यही डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने एक ही फ्लावर बना करके कंप्लीट कर लिया, ये हमारा सेकेंड लाइन का फ्लावर है। अब इसी तरीके से हम देखिए नेक्स्ट डिज़ाइन लेंगे इस तरीके से, इसके आधे धागे लेंगे, आधे जो इसके कॉर्ड बचे हैं ये इस तरीके से यहाँ पर हम सेम यही वाला फ्लावर यहाँ पर बनाएंगे। उसके बनने के बाद में फिर हम थर्ड डिज़ाइन लेंगे, इसके आधे धागे और इसके आधे धागे लेकर के ऐसे ही हम सेम डिज़ाइन बनाते जाएंगे पूरे सर्कल में। तो हमारा ये सेकेंड लाइन यहाँ पर बन करके कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही हम जैसे हम सेकेंड बना रहे हैं ऐसे ही हमें फिर थर्ड लाइन बनाना होगा। थर्ड में हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन जब हम लेंगे इसका जो फ्लावर यहाँ पर बन करके आएगा उसका आधे धागे और इसके आधे धागे लेकर के हम थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम तीन या चार लाइन जितना आपको अपनी बास्केट में चाहिए उतना आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर तीन लाइन बना करके पहले देखती हूँ, अगर मुझे छोटा लगेगा तो फिर मैं आगे और बनाऊँगी। तो चलिए ऐसे हम थर्ड लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अपना बास्केट बना करके रेडी कर लिया है। देखिए मैंने इसमें कितने फ्लावर बनाए हैं, एक तो ये फर्स्ट वाला जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर दो तीन चार पाँच, फर्स्ट वाले को अगर हम छोड़ देंगे तो चार लाइन हमने डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये पूरा हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये चार लाइन बन करके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फिर इसे ये गैप जो बीच में आता है जहाँ पर हम अगला डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे फाइव डिज़ाइन आएगा तो उसको हमें पूरा नहीं बनाना है, उसको हम आधा बनाएंगे। जैसे हमने देखिए पास में बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, इसको हमें एक लेयर में लेके आना है सी बिल्कुल गोल सीधा लाइन, ताकि इसमें अपना रिंग अटैच कर सके। तो कैसे बनाना है अब देखिए, ठीक वैसे ही हम बनाएंगे लेफ्ट का एक धागा लेंगे और राइट के कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करेंगे। ये देखिए एक एक करके हम सभी धागों को इस पर सेम वैसे ही पाइपिंग करेंगे जैसे अभी तक हमने ये सारे फ्लावर्स को बनाया है। सेकेंड लाइन में चेंजिंग आएगी इसकी, तो ये देखिए हमारे धागे यहाँ पर पाइपिंग हो गए हैं, एक लास्ट धागा बचा है। ये देखिए सभी धागे हमारे अच्छे से पाइपिंग हो चुके हैं। अब हमें राइट साइड से फर्स्ट वाला कॉर्ड लेना है, येलो कलर है, और सेम वैसे ही हमें इस साइड के भी धागों को पाइपिंग करेंगे। तो हमारे लेफ्ट में भी सभी धागे यहाँ पर पाइपिंग हो चुके हैं। ये देखिए एक लाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड लाइन हमको बनानी है, तो फिर हम लेफ्ट से पहला वाला कॉर्ड लेंगे जो येलो कलर का है और फिर से सेम वैसे ही लाइन बनाएंगे।
देखिए हमारे यहाँ पर एक येलो, एक ग्रीन और दो पीच कलर के धागे पाइपिंग हो चुके हैं। अब हम एक ग्रीन जो बचा है उसको भी पाइपिंग करेंगे, लेकिन ये येलो वाला कॉर्ड हम सेकेंड लाइन में पाइपिंग नहीं करेंगे। जो हमने फर्स्ट लाइन में पाइपिंग किया था इसको हम सेकेंड में पाइपिंग नहीं करेंगे। ऐसे ही हम इस साइड भी बना लेते हैं एक लाइन। तो देखिए इस साइड भी हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे, तो फिर से लेफ्ट का एक कॉर्ड लेना है और राइट साइड में पाइपिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर धागे पाइपिंग हो चुके। पहले हमने येलो कॉर्ड छोड़ा था फर्स्ट लाइन में, सेकंड में हमने ग्रीन छोड़ा है। ये देखिए ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी तीन तीन लाइन कंप्लीट हो गई हैं। चौथी लाइन भी हमको बनानी है, लेकिन सिर्फ एक कॉर्ड ही पाइपिंग करना है, एक हमें छोड़ देना है हर बार की तरह। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है जैसे हमने ये बनाया। पहले से मैंने सारे बना लिए थे, सिर्फ दो छोड़े थे आपको बताने के लिए। तो जैसे हमने ये कम्प्लीट किया है वैसे जो हमारा लास्ट का बचा इसको भी हम कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें हम अपना रिंग अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सभी डिज़ाइन बना करके कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अच्छे से हमारी डिज़ाइन सब बन चुकी हैं, अब बिल्कुल हमारा लेयर में आ चुका है। ये देखिए अब ये रिंग अपना हम इसमें अटैच करेंगे। आप इस तरीके से रिंग रख लेंगे और कहीं से भी स्टार्ट कर दे बनाना। ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें इसको अंदर तरफ भी पाइपिंग कर सकते हैं या बाहर तरफ, मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ। इस तरीके से पकड़ के एक एक कॉर्ड में लेते जाना है और रिंग पर पाइपिंग करते जाना है। एक कॉर्ड को हम दो बार पाइपिंग करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ पर तीन धागे पाइपिंग कर लिए हैं। अब ठीक ऐसे ही हम इस साइड में बिल्कुल उसके सामने जस्ट यहाँ पर भी हम दो या तीन धागे पाइपिंग कर लेंगे। इकट्ठे हम एक लाइन से पाइपिंग नहीं करेंगे धागों को, दो इधर कर लेंगे, दो इधर आमने सामने कर लेंगे ताकि ये रिंग हमारी बिल्कुल चारों तरफ बराबर रहे। देखिए तीन धागे हमने इधर भी कर लिए हैं, अब हम तीन धागे इस साइड भी कर लेते हैं पाइपिंग। तीन साइड हमारे धागे पाइपिंग हो चुके हैं। अब हम देखिए इस साइड भी इसको बास्केट को अच्छे से खींच लेंगे, खींच के पाइपिंग करेंगे ताकि अच्छे से पहुंच जाए इस साइड।
और देखिए इस साइड भी हमने यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ, और चार तरफ हमने कर लिया है। इस साइड भी हम दो तीन धागे पाइपिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर भी हो गया है, इस साइड भी हम ऐसे ही करते हैं। इकट्ठे सारे धागे हम नहीं कर सकते, इकट्ठे करेंगे तो ये रिंग भी टेढ़ा हो जाएगा, अच्छे से पाइपिंग भी नहीं होगा। एक साइड में डिस्टेंस कम रहेगा और एक साइड में ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम पहले दो दो धागे दूर दूर कर लेंगे पाइपिंग। ये इधर भी हो गया है, अब देखिए सब जगह हमारे धागे पाइपिंग हो चुके हैं। इधर देखिए थोड़ा खींच रहा है, इसको हम खोल के फिर से सही करेंगे इस तरीके से। और अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, अब इतनी जगह हमने कर लिया है, अब हम यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। जितने भी बचे धागे हैं सब इस रिंग पर पाइपिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर रिंग में सभी धागों को अच्छे से कवर कर लिया है, पूरा रिंग यहाँ पर कवर हो चुका है धागों से, अच्छे से पाइपिंग हो गए हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं, धागों को यहाँ से हम कट करके नीचे की साइड में चिपका देंगे। लेकिन हम एक लेयर है ये रिंग पे, हम एक लेयर और यहाँ पर बना लेंगे। तो आप देख लें जो सबसे लंबा धागा हो वो ले लें, कोई भी कलर का आप ले सकते हैं। देखिए हमने येलो कलर का लिया है, अब हम यहीं से पकड़ के इसको स्टार्ट कर देंगे पाइपिंग करना। देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी दो लाइन पाइपिंग हो जाएगी, तो ये साइड इसकी अच्छी भी लगेगी। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक करके सभी धागों को लेते जाएंगे और पाइपिंग करते जाएंगे। अगर कोई धागा छोटा हो तो आप इसको जोड़ लें। बिल्कुल चिपकाते हुए यहाँ पर पाइपिंग करनी है। तो देखिए जैसे हमने ये धागे इतने पाइपिंग किए हैं, सेम ऐसे ही हम यहाँ से पूरा सर्कल में करते हुए इधर साइड से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे आके हमको इसको एंड करना है। तो हम चलिए सभी धागों को अच्छे से पाइपिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी सेकेंड लाइन भी पूरा अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पर हमने एंड कर दिया है आके। अब हम ये जो धागा पाइपिंग वाला है इसको कट कर लेंगे और यहीं पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए आप जितने भी हमारे सभी धागे हैं सभी धागों को हम छोटा छोटा कट कर देंगे, बिल्कुल जितना हमारा नीचे चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम सभी धागों को कट करेंगे। और जब हमारे धागे कट जाएंगे इनको हम अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा जला करके इस तरीके अंदर की तरफ चिपका देंगे। ऐसे फ्रेंड्स हम सभी धागों को अच्छे से कट करके चिपका देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सभी धागों को अच्छे से कट करके पीछे चिपका दिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सारे धागे चिपक चुके हैं और हमारा ये फ्रूट बास्केट बनकर के रेडी हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए आप इसमें फ्रूट्स रखें, आप कुछ भी आप रख सकते हैं, वैसे तो फ्रूट बास्केट है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ में।